दोस्तों शिव पुराण को महापुराण का दर्जा प्राप्त है। इस पुराण में इंसान के कार्य और व्यवहार से संबंधित बातों के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई है। इसमें बताया गया है कि महादेव अपने भक्तों के लिए हमेशा कैसे उपलब्ध रहते हैं और मानव जीवन के कल्याण के लिए कार्य करते हैं, क्योंकि महादेव केवल देवता नहीं है बल्कि पंच देवों के प्रधान, अनादि और निगमागम है। शिव पुराण में भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए और उनकी समस्याओं से मुक्ति के लिए कुछ खास उपाय बताए गए हैं। आज की इस खास वीडियो में हम आपको बताएंगे कुछ खास उपाय, इसीलिए इस वीडियो को जरूर देखिएगा। आप देख रहे हैं महादेव दर्शन। दोस्तों शिव पुराण के अनुसार धन प्राप्ति के लिए शिवलिंग पर जल में अक्षत यानी कि चावल मिलाकर अभिषेक करना चाहिए। ऐसा करने से धन संबंधित समस्या का अंत होता है और कर्ज की समस्या से भी मुक्ति मिलती है। शिवलिंग पर जल में काले तिल मिलाकर अभिषेक करने से सभी पापों का अंत होता है और उनके जीवन के सभी कलेश समाप्त हो जाते हैं। साथ ही अशुभता को कम करते हैं और शुभता लाते हैं और इसी तरह से आनंदों की प्राप्ति आपको होती है। दोस्तों शिवलिंग पर जल में जाओ मिलाकर अभिषेक करने से सुखों में वृद्धि होती है और पितृ गणों का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। वहीं गेहूं चढ़ाने से कुल की वृद्धि होती है और घर परिवार के सदस्यों के बीच आपसी प्रेम बना रहता है और नकारात्मक माहौल सकारात्मकता में बदल जाता है। वहीं शिव पुराण के अनुसार विवाह इच्छुक जातकों के लिए शिव पुराण में एक उपाय बताया गया है। शिव पुराण के अनुसार बेला के फूल से अविवाहित जातक हर रोज भगवान शिव की पूजा करे तो उसकी इच्छा जल्द ही पूरी हो जाती है। वहीं जूही के फूल से पूजा करने पर कभी भी धन धान्य की कमी नहीं होती। भगवान शिव को सफेद वस्त्र या फिर जनेऊ अर्पित करने से लंबी आयु की प्राप्ति होती है और मनोकामनाएं भी पूरी होती हैं। साथ ही कार्य क्षेत्र में भी सफलता मिलती है और नए अवसरों की प्राप्ति होती है। वहीं दोस्तों शिव पुराण के अनुसार शिवलिंग पर जल से देसी घी मिलाकर अभिषेक करने से शारीरिक कमजोरी खत्म होती है और साथ ही शहद से पूजा करने पर रोगियों का इलाज भी होता है और आग के फूल चढ़ाने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो दोस्तों ये सभी उपाय हम यूं ही नहीं बता रहे बल्कि ये सब शिव पुराण में लिखे हैं। अगर आपको हमारी ये खास जानकारी या वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर अवश्य करें। मिलेंगे अगली बार एक नई खास वीडियो के साथ। अब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहिए महादेव दर्शन।